दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी माध्यम के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निकलने वाले वैकेंसियों के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक, सहायक शिक्षक आदि पद देखने को मिलने वाली हैं, जो इस जिले के 5 स्कूलों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यह भर्तियाँ प्रतिनियुक्ति के माध्यम से होने वाली है, यानी कि यहाँ पर संविदा के आधार पर नहीं की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति जिला बलरामपुर के अंतर्गत 14 दिसंबर 2022 को प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें शिक्षक और अन्य कर्मचारी जो निम्न विद्यालयों में जो हिंदी माध्यम के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, वे अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए इनके द्वारा दिए गए पते में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ थाना रोड चौपाटी के बगल में पिन कोड 497220 के पते पर 3 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही करना होगा, और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको अप्लाई करने का फॉर्मेट भी आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही मिल जाएगा। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरियों के लिए टोटल 13 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला सहायक शिक्षक जो विषयवार निकाला गया है, और इन सभी की प्रतिनियुक्ति नियमों के अधीन ही वेतन देने का मानदेय रखा गया है। अगले स्कूल की बात करें तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहाडी के लिए भी टोटल 13 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें भी सेम पोस्ट दी गई है, विषय अनुसार यहां पर दिया गया है, आप जिस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं यहां से उनकी जानकारियां देख लीजिएगा। अगले स्कूल की बात करें तो रेहड़ा यानी कि शंकरगढ़ के लिए भी 13 पोस्ट निकाली गई है। अगला स्कूल है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिंडो यानी कि रामचंद्रपुर के लिए भी 13 पोस्ट निकाली गई है। वही बात करें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदो यानी कि कुसमी के लिए, तो यहाँ पर भी 13 पोस्ट निकाली गई है। चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ नियम और शर्तों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला या प्राथमिक शाला के पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है, तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालयों में जो पदस्थ नियमित प्रधान पाठकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अगर किसी विद्यालय में आवेदन करते हैं वहाँ पर आवेदन पत्र की संख्या 1 से 3 ज़्यादा रहती है, तो उस स्थिति में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें शिक्षक पदों के लिए, तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विद्यालयों में जो पदस्थ शिक्षक और शिक्षक LB की प्रतिनियुक्ति की जाए, जो केवल और केवल नियुक्ति विषय पर ही किया जाएगा, और 1 से 2 आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में उनका साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें सहायक शिक्षक के पदों के लिए, तो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया दी गई है, और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनकी नोटिफिकेशन का चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट दिया हुआ है जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना, जैसे कि प्रतिनियुक्ति के लिए जो बलरामपुर रामानुजगंज जिले के आवेदकों को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिले के आवेदकों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप बलरामपुर जिले के अलावा दूसरे जिले में कार्यरत हैं तो आपको संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, आवेदन पत्र का प्रारूप आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब आपको आवेदन कब जमा करना है, पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ आपको, पहले जिला शिक्षा अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ थाना रोड चौपाटी के बगल में पिन कोड 497220 के पते पर 3 जनवरी 2023 तक आपको आवेदन कर लेना है। आवेदन सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही करना होगा, और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में जो विज्ञापित विद्यालयों में जो पद के लिए प्राथमिकता क्रम दी गई है आपको उसी के आधार पर किया जाना है, और लिफाफे के ऊपर जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और उसका विषय आपको लिखना अनिवार्य है। और इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि परिवीक्षा अवधि में कार्यरत और सेवानिवृत्त की अवधि 3 वर्ष शेष होने पर की स्थिति में कोई भी शासकीय सेवा प्रतिनियुक्ति के आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, यानी कि अगर आप परिवीक्षा अवधि में सेवारत हैं और रिटायर होने में 3 वर्ष बाकी हैं तो आप इन पदों पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको इनके द्वारा जो यहाँ पर प्रारूप दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिफाफे का प्रारूप दिया गया है, आपको यहाँ पर पद का नाम और विषय का नाम देना होगा, साथ में यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम एड्रेस यहाँ पर भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप और सहमति पत्र दिया गया है, यहाँ पर इनको फिल करने के बाद इनके कार्यालय में आपको ऑफलाइन के माध्यम से यानी कि रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पर आपको विद्यालय का क्रम यानी कि प्राथमिकता क्रम यहाँ पर देना होगा, सबसे पहले आप किस स्कूल को प्राथमिकता क्रम में रखना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले आप किस स्कूल को चयन करेंगे उसका यहाँ पर आपको लिस्ट देना होगा। लास्ट में आपको यहाँ पर
साइन, नाम और पदनाम, यहाँ पर जितने भी डिटेल जानकारियाँ दी गई हैं आप यहाँ पर इनको फिल करिएगा। तो दोस्तों यह रही बलरामपुर जिले के अंतर्गत शिक्षा विभाग में जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल का भी, और चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।